नमस्कार, मैं दीपक पाल और स्वागत है आपका HCN न्यूज में। भले ही इसरो ने भारत का स्तर दुनिया में गर्व से ऊंचा कर दिया हो, पर इसरो यहीं तक चुप नहीं बैठने वाला है। जी हाँ, इसरो चंद्रयान 2 पर एक ऐसी और खबर लेकर आया है जिसे देखकर अब हर कोई देश वाला जलने वाला है। दरअसल चंद्रयान 2 को छोड़े जाने के बाद से ही इस पर एक ऐसी खबरें आना बाकी है जिसे सुनने के लिए आप और हम बेसब्री से इंतजार में बैठे रहते हैं। चंद्रयान 2 वर्तमान में बीते मंगलवार को चांद की ओर जाने के लिए अपनी जगह बदलने के लिए भी तैयार है। अब यान के तरल ईंधन वाले इंजन को शुरू किया जाएगा ताकि इसे चंद्रमा की कक्षा के अंदर प्रवेश दिलाया जा सके। इसे भारत की तरफ से बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। भारत का दूसरा चंद्र खोज मिशन चंद्रयान 2 अब चंद्रमा के करीब पहुंच रहा है। ऐसे में अब यान को चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचाने में एक दो दिन का समय यानी मंगलवार से 20 अगस्त तक का ही समय लगने वाला है। इसके बाद 7 सितंबर को ये चांद की सतह पर उतरेगा। वहीं ये भी जान लें कि 22 जुलाई को चंद्रयान 2 लॉन्च होने के बाद से ही अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा था। दरअसल ये एक एक कर और ऊंची कक्षा में प्रवेश करने की श्रृंखला का हिस्सा था। इसके तहत अंतरिक्ष यान ने 23 जुलाई से 6 अगस्त तक धरती की कक्षा में कुल 5 बार चक्कर लगाया था और इसमें प्रवेश भी किया था। इस सप्ताह के अंत तक चंद्रयान ने धरती की कक्षा को छोड़े जाने से पहले सफलतापूर्वक अंतिम रूप से कक्षा का चक्कर पूरा कर लिया। यहां तक कि भारतीय अनुसंधान संस्थान इसरो तो अगस्त महीने की शुरुआत से चंद्रयान के माध्यम से ली गई तस्वीर की कुछ फोटो भी जारी कर चुका है। एक बार चंद्रयान 2 के ट्रांसफर वाले सर्कल से चांद को और आगे बढ़ जाने के बाद अपने 4 हिस्से में प्रवेश करेगा, जहां यान चांद तक पहुंचने के लिए अंतिम रूप से उसकी 4 कक्षाओं में चक्कर काटेगा। आपको बताना चाहेंगे 21 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक इसी सतह के केंद्र का अनुसरण करते हुए चांद अंतिम कक्षा में प्रवेश करेगा। एक बार चांद की प्रवेश की अंतिम कक्षा में प्रवेश कर जाने के बाद 2 सितंबर को ये अपने साथ ले जाए लैंडर विक्रम को छोड़ देगा। इसके बाद विक्रम लैंडर के 2 चक्कर काटने के बाद 7 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। ऐसे में दर्शक चंद्रयान 2 की इस बड़ी उपलब्धि के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो लोग HCN न्यूज को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।